एग्जाम में सॉल्व करते हैं, उसमें हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C4H10O। तो फर्स्ट हम क्या चेक करेंगे, डीबी। तो डीबी निकालने के लिए हमने तीन केस डिस्कस किए थे। फर्स्ट केस क्या था, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तो हम डीबी कैलकुलेट करने में उसे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, डायवेलेंट एटम, इसलिए ऑक्सीजन को हम डीबी में कंसीडर नहीं करेंगे। देन क्या देखा था, सेकंड केस क्या था, जब हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तब हम जो मोनोवेलेंट एटम है उसमें जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। एंड थर्ड केस हमने डिस्कस किया था, उसमें जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, इट मींस कि नाइट्रोजन क्या है, ट्राइवेलेंट एटम, तो हमें मोनोवेलेंट एटम में से ट्राइवेलेंट क्या करना है, सब्स्ट्रेक्ट करना है। तो तीन केस हमें याद रखना है। इसमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है उसमें क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए हम डीबी में कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट हमें डीबी में हमने शॉर्टकट से देखा था कि फर्स्ट हमें जितने नंबर ऑफ कार्बन गिवन होंगे उतने क्या कर देने हैं, डबल कर। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन गिवन है, 4 कार्बन, इट मींस कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 प्लस 2 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस H कितना गिवन है, H 10 अपन 2 इज इक्वल टू 0 अपन 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डीपी 0 है। डीपी 0 का मीनिंग क्या हुआ, कि यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई भी रिंग प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसकी डीपी क्या आएगा, 0। अब जो हमें एनिमल डेटा गिवन है उसमें हमें फर्स्ट चेक करना है। एनिमल में हमें फर्स्ट क्या गिवन है, वेट इज इक्वल टू, मतलब 1.12, एक इसकी वैल्यू है, केमिकल शिफ्ट वैल्यू 6 हाइड्रोजन, एंड इसका जो मल्टीप्लिसिटी आती है वो क्या आती है, 3 ग्रेड आती है। तो 6 हाइड्रोजन, इट मींस कि दो CH3 ग्रुप प्रेजेंट होंगे, दो CH3 ग्रुप, इट मींस कि 6 हाइड्रोजन हो गया। अब जो CH3 है उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या आती है, 3 ग्रेड आती है। इसका मीनिंग क्या हुआ, कि जो हमें एनिमल सिग्नल में हम
में इतना क्लियर हुआ कि हमें फर्स्ट डीबी चेक करना है एंड देन एनएमएल में कितने नंबर ऑफ सिग्नल मिले हैं उसके ऊपर से हम कोई भी जितने नंबर ऑफ ग्रुप प्रेजेंट होगा वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो आईआर में दो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दी थी, एक सीएस स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एंड एक सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल में डीबी क्या थी, जीरो, इट मीन्स कि उसमें कोई रिंग प्रेजेंट नहीं है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे एनएमएल में दो सिग्नल दिए थे, इसलिए जब हम प्लेन पास करते हैं तो जो मोलेक्युलर स्ट्रक्चर में हमें दिख रहा है कि प्लेन पास करेंगे तो हमें कितने नंबर ऑफ सिग्नल मिल रहे हैं, दो। इतना क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या चेक करेंगे, डीबी। तो फर्स्ट हमें डीबी निकालनी है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में गिवन है C8H8O। तो फर्स्ट हम जितने नंबर ऑफ कार्बन गिवन है उसके क्या कर देने हैं, डबल कार्बन। एट गिवन है, इट मीन्स की 16 + 2 - 8/2। तो क्या हुआ, 18 - 8/2, इट मीन्स की 10 - 2। तो डीबी कितना आएगा, 5। इतना क्लियर हुआ। अब जो आईआर में फर्स्ट हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होती है उसमें हम फर्स्ट डीबी चेक करते हैं, देन हमें क्या चेक करना है, एनएम। यहाँ पे जो डीबी 5 आया, इट मीन्स की ग्रेटर देन 4 है। तो यहाँ पे कोई भी एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा एंड एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो डीबी के ऊपर से हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी रखते हैं कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, एक बेंजीन रिंग एंड एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब हम एनएमएल में देखते हैं, तो एनएमएल में जो डेटा गिवन है उसमें क्या है, 2.47।
करना है। फर्स्ट हमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C6H12O2, तो फर्स्ट हम क्या चेक करेंगे दीदी, यहाँ पे जो यूनिट है 205 नैनोमीटर एटा मैक्सिमम गिवन है, इट मींस कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एक्शन है। मल्टीप्लिसिटी
नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C50H14O, एनिमल में क्या है, टू सिग्नल दिए हैं इसके, यहाँ पे टू डेटा गिवन है, आईआर में बहुत सारे डेटा गिवन है एंड लैम्डा मैक्सिमम टू गिवन। लैम्डा मैक्सिमम क्या है, 256 x 8 नैनोमीटर, इट मींस कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है। यूवी में आपने डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजिशन पढ़े होंगे, फोर काइंड ऑफ ट्रांजिशन था, उसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब हम डीवी चेक करते हैं, तो फर्स्ट हमें डीवी चेक करने के लिए हमें फर्स्ट क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 15 गिवन है, उसका क्या कर देना है, डबल कार्बन, इट इज 30 प्लस 2 ऐड करना है, माइनस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं 14, यहां से 14 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं अपन 2, इट मींस कि 32 माइनस 14 अपन 2, तो कितना आएगा 18 अपन 2, तो डीबी क्या आता है 9। अब डीबी ग्रेटर देन 4 है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब डीबी ग्रेटर देन 4 होगा तब 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है।
स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के पास CH2 अटैच है, CH2 किसके साथ अटैच है, C डबल बॉन्ड O। इसलिए CH2 का जो मल्टीप्लिसिटी क्या मिलती है, सिंगलेट मल्टीप्लिसिटी। एंड जो 5 हाइड्रोजन है उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, मल्टीप्लेट। यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे बेंजीन रिंग। अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर चेक करते हैं। यहाँ पे 6 carbon, 7, 8, 9 एंड यहाँ पे भी क्या है, 6 carbon, इट मीन्स की 15 carbon प्रेजेंट है। देन हाइड्रोजन चेक करते हैं, 5 hydrogen, यहाँ पे भी क्या है, 5 hydrogen, 10 एंड यहाँ पे 2, इट मीन्स की 14 hydrogen एंड 8 oxygen। इट मीन्स की हमने जो स्ट्रक्चर निकाला है वो क्या है, राइट है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो हमें फर्स्ट डिग्री चेक करना है, देन एनएमआर डेटा। जो लैम्डा मैक्सिमम गिवन होती है उसमें क्या हो रहा है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। एंड एनएमआर में हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट रेंज हमें याद रखनी है। 0.5 से 2 के बीच में क्या होता है, sp3 carbon, एंड वो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच नहीं होता है। देन 2 to 5 क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन, एंड वो इलेक्ट्रोनेगेटिव के एलिमेंट के साथ अटैच होता है। देन क्या देखा था, 5 to 8.5 sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन, इट मीन्स की अल्किन प्रेजेंट होगा। 2 to 3 अल्काइन प्रेजेंट होगा। 8.5 से 10 क्या है, एल्डिहाइड, एंड 10 to 12.5 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें एनएमआर डेटा जो गिवन होता है उसमें हमें रेंज याद रखना इम्पोर्टेंट है। एंड आईआर में भी क्या है, आईआर में भी रेंज हमें याद रखनी है। जो हमने टेबल लिखवाया था वो हमें याद रखना है। यहाँ पे हमें जो डेटा गिवन था उसमें जो आईआर की वैल्यू गिवन है उसमें फर्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा दी है, इट मीन्स की एरोमेटिक सीएच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। देन उसके थोड़ी कम तो वो क्या है, एलिफेटिक सीएच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। अब 1725 किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। अब 1605 एंड 1587 एरोमेटिक सी डबल बॉन्ड सी, जो कॉन्जुगेशन होता है सी डबल बॉन्ड सी कार्बन प्रेजेंट है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट 1490 मल्टीप्लेट, उसमें जो अल्केन मींस की CH2 प्रेजेंट है, CH बेंडिंग वाइब्रेशन हो रहा है। एंड नेक्स्ट क्या है, 1455, उसमें क्या है, C स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। यहाँ पे जो हमें डेटा गिवन था उसके ऊपर से हमें DBE क्या मिली थी, 9। इट मींस की जब हमें 3 केस डीबी में याद रखना है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, उसे हम डीबी कैलकुलेट करने में यूज नहीं करते हैं। एंड हैलोजन प्रेजेंट होगा तो हैलोजन क्या है, मोनोवेलेंट एटम, एंड हाइड्रोजन भी क्या है, मोनोवेलेंट एटम, तो उसे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन में ऐड करते हैं। इट मींस कि मोनोवेलेंट एटम में हम जो हैलोजन प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एंड थर्ड केस क्या था, जब नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन क्या है, ट्राइवेलेंट एटम, ट्राइवेलेंट एटम को हम मोनोवेलेंट एटम में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। इट मींस कि हमें 3 केस याद रखना है। कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट एटम, हाइड्रोजन एंड जो हैलोजन होता है वो क्या होते हैं, मोनोवेलेंट एटम। ऑक्सीजन क्या है, डाइवेलेंट एटम ऑक्सीजन। एंड नाइट्रोजन एंड फॉस्फरस क्या है, ट्राइवेलेंट एटम। इट मींस कि पूरा जो डीबी हम निकालते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, उसमें हम ऑक्सीजन को क्यों कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, डाइवेलेंट एटम, इसलिए हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें डीबी क्या मिली थी, 9। जब डीबी ग्रेटर देन 4 मिलता है तब हमें क्या एज्यूम करना है कि यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा। यहाँ पे 9 डीबी है, इट मींस कि 2 बेंजीन रिंग
प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर में हमें लिखना है कि टू रिंग प्रेजेंट है एंड एक सीओ जो बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इतना क्लियर हुआ। एंड टू बेंजीन रिंग के पास क्या अटैच है? सी एच टू। इसलिए सी एच टू किसके साथ अटैच है? सी डबल बॉन्ड ओ। इट मीन्स कि उसकी जो एनिमल डेटा में मल्टीप्लिसिटी क्या आती है? सिंगलेट आती है, क्योंकि इसके पास कोई भी जो प्रोटॉन है वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए उसकी मल्टीप्लिसिटी सिंगलेट आती है। इतना क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल, डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।